मैं थोड़ा लेट आऊंगा। लेकिन वो यहाँ खुद आ गया है। अरे उसमें जहर मिला रखा होगा, आपको पता भी है भोला ने क्या किया। और क्या कह रही हैं आप भैया से? अभिराम राम। अच्छा वो झुमके, अरे वो तो मैंने ऑनलाइन परचेज किए थे। मैं बताती हूँ, इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे है ना एक पेज है डेजल ड्रीम 028 करके, हाँ वहीं से मंगाई थी। और क्या बताऊँ मैं, और पता है ये तो है ना फेसबुक पे डेली लाइव आती हैं और इतनी अच्छी अच्छी डील बताती हैं, कह नहीं सकती मैं तो। मैंने तो अभी बॉक्स भर के वो मंगाई है ज्वेलरी। हाँ सच में। चल यार इनका फोन आ रहा है, मैं अभी बात करती हूँ तुझसे, ठीक है? हेलो। हेलो, मैं थोड़ा लेट आऊंगा, आज ऑफिस में मीटिंग है। अच्छा ठीक है। घर तो यू ही लग रहा है, बहुत बड़ा घर बना लिया है आपने नन्ने। ये रही घंटी। कौन आ गया? कौन है? अभिराम राम। अभिराम राम। अरे ये क्या कर रहे हो? अभी भैया कहाँ? भैया तो आपके ऑफिस गए हैं। आओ आप बैठो अंदर। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। हे भगवान, जब काम तो आए हूँ वह काम में बनवा दे बस, वो पता है काम तो बनेगा। राधे राधे। पानी आपके लिए ठंडा लाऊं या सादा? ना भाभी ना, मटके को हो तो दे देंगे। मटके का देवर जी फ्रिज का ले आओ। मटको ना है तो एक काम कर, तुम सादे ही ले आओ। आप ही ठंडा पानी पीने थे, पता है गला खराब हो जा। और हाँ सुनो, लोटा में लगी, लोटा में। लोटे में ठीक है, ये लो आपके लोटे का पानी। मजा आ गया भाभी। पता भाभी एक बात बताऊं तुम्हें, जब हम हाथ में पानी डाल के पीवे है ना, तो ये हाथ को जो तापमान हो वो पानी को भी वैसे ही कर दे जैसे हमारे शरीर की आवश्यकता हो है। तो बात है ना, फिर बीमार ना हो आदमी। भाभी वैसे एक बात है, नजोगढ़ तो पूरे बदल गो। मैं तो पहले पहचान ही यहाँ पे कोने पे घर ना हो, वहां पीपल को पेड़ हो, वह पेड़ से मैं पहचानी गई, और पीपल वाली गली थे तीन घर छोड़ के जब जानो। यहाँ तो इतने मकान बन गए हैं, अरे मैया मैं तो तीन चक्कर काटे हैं, इंगे तो घूमते रहो। फिर एक प्रेस वाले थे, मैंने पूछी कि भैया ये मोए एड्रेस जानो है, तो वहाँ ने फिर बताया, वो बोलो भाई ऐसे जाके इंगे को मुड़ जाइयो। फिर मैंने जो मुड़ के फिर बड़ी मुश्किल से मिलो एड्रेस। नजगढ़ तो पूरा ही बदल गया भाभी। हाँ नजगढ़ बहुत बदल गया है, पर तुम नहीं बदले, तुम रहे वही कमर के कमर। कुछ कही भाभी तुमने? नहीं नहीं कुछ नहीं। अच्छा भाभी घर तो बढ़िया बनाया हो तुमने, बहुत पैसा लग गए होंगे अभी। चलो लेकिन खुशी की बात है। हाँ मैं पूछ रही थी कि अचानक आपको कैसे आना हुआ? अभी गांव में जो है ना वो रघुवीर को लौंडा ना है, वो चला रहा टम्पू, तो बाकी सब्जी मंडी में वो आवे सब्जी, तो मैंने वहां पे बात करी कि भैया मुझे तो दिल्ली जाना है, तो न बोलो कि मैं आजादपुर तक तो छोड़ दूंगा तुम्हें, तो आजादपुर तक तो आके और फिर तुम आगे चले जाइय, फिर आजादपुर मंडी तक तो मैं वहां टम्पू में आ गो, पैसा बच गए मेरे किराए के। और वह टम्पू से आके फिर मैंने वहां दो तीन तक पूछी मैंने, तो वो न बोले कि कोई सीधी बस तो है ना नजफगढ़ को, तो तुम्हें मेट्रो से जाना पड़ेगा। भाभी मेट्रो का बन गई है, अरे मैया इतनो मैं ना सोची, मैं अखबार में तो पढ़ी मैंने कि मेट्रो चले, मैं इतनी ना पता ही वहां में जो वो ना है वो चुनने वाली ऐसी सीढ़ी जो ही, अरे मैया मैं तो पहले एक बार तो सोची कि चल चढ़ जाऊं, फिर मैं कही देख ऐसा भोला अगर तू यहां में फंस गो तो फंसने के बाद तो कोई बचाने भी ना आएगा, तो मैं तो सीढ़ी थी आगो फिर मैं, और इतनी ठंडी है मेट्रो
सही में बहुत तरक्की हो गई है दिल्ली में, अब वैसी ना रही है, राजधानी बहुत तरक्की कर रही है अब मामले में। और टम्पू तो यहाँ हमारे आए हो भाभी, हमारे यहाँ पे ये भी तो आ रहे थे, वहां में कई लोगों के साथ पता क्या हुआ, उन्होंने जहर खिला दिया उन्हें बिस्कुट, अनजान आदमी हो, अनजान आदमी तो न बोलो कि लो भैया खाए गो, वहां ने खा लिए, खाती बेहोश हो गो, बेहोश होते ही वहां को सारा सामान लूट लियो, जब ही लाया हो वो काम में थे कई उसे, देखो छोटो मोटो काम हो वहां ऐसे कोई पैसा भी ना है वहां पे, लेकिन फिर भी बच गो बस वो। और हाँ वो ध्यान आई, मैं ये लाया कुल देवता को मंदिर ना है हमारे वहां पे, वहां से मैं प्रसाद लाया। अब भाभी हमारे तो देखो यही बैग चले हैं, वो गांव के है ना, तो वो शहर की तरह बैठे वाले तो चले ना आए जैसे हैं, भगवान सब बंद करेगो, ये प्रसाद ले लेंगे तुम। कहा हुआ भाभी, भाभी ए कहा हुआ, कहा सोच रही हो भाभी, ए कुछ लंबी सोचने में पड़ गई तुम तो, मैं जब तक कह रहा हूं अब मैं मोए आना हो यहाँ पे एम्स, एम्स में जो है भाभी मेरे घोटन में दर्द रहे हो, अब वो पहले जैसी बात ना है, अब घोटन में दर्द है तो यहाँ पे वो रघुवीर को लौंडा है, वहां को जो जमाई है ना वहां को कोई जानकार लग रहा है तो फोर्थ क्लास, लेकिन बाकी चले बहुत है, जब भी डॉक्टर ने मिलवा दे वो तो वहां मिलने को आया, तो मैं सोची ले चल तू इंगे को कहाँ जाएगा, तो मैं यही आगो सीधा मैं फिर, तो सुबह जो अपने वहां में एम्स में जाके मैं दिखा दूंगा डॉक्टर। चाय तो कड़क बनाइए भाभी आपने, बहुत मन कर रहा हूँ मेरे, रेलवे स्टेशन पे ना मिले तो अच्छी चाय, अब वो टाइम गए वो सारे के सारे, है भाभी भीगी पड़ी है सारी चाय, चीनी ला दो मैं तो थोड़ी, ये लो भाभी, का है ना हम जो है थोड़े गांव में ना मेहनती आदमी है ना हम, शरीर की मेहनत करें तो हमें मीठो ज्यादा चाहिए, अब एक एक चम्मच कहा डालूंगा लाभ, थोड़ी चाशनी बना दी, मैं ना अभी आई, मुझे ना जरूरी काम है। कोई बात ना भाभी, थोड़ा काम है मीठा अभी भी, क्या चल अब छोड़ गया, ज्यादा मत करे बोला, जितने मिल रहा हो उतने में काम चला, कब तक आओगे आप? क्या हुआ? अरे वो गांव से भोला आया है। हाँ भोला की तीन चार मिस कॉल में पता ही थी। आपके पास मिस कॉल आई थी, वो यहाँ खुद आ गया है। पर एक बात बताऊ, ये घर है कोई धर्मशाला नहीं है कि कोई भी आएगा और मुंह उठा के आ जाएगा यहाँ पर, आपको पता भी है भोला ने क्या किया? क्या किया? वो ना गांव से किसी कुलदेवी का प्रसाद लेकर आया है। तो अरे उसमें जहर मिला रखा होगा, तो सारा घर लूट के ले जाएगा, देखो उसको है ना अभी कि अभी यहाँ से बाहर निकालो। अच्छा मेरी बात सुनो, मैं अभी जो है वो, मुझे कुछ नहीं सुनना, भाभी आपने ये प्रसाद कुंभ डाल दिया, कुलदेवी को प्रसाद है यू, और क्या कह रही है आप भैया से,
जहर है वाने? अरे गांव में काहे को जहर भी कोई खिला दे ना, और बाकी ऊपर ये प्रसाद खिला दिया जाए तो जहर भी अपना असर छोड़ दे वे। और तुमने यह प्रसाद ही जहर बता दियो और कूड़ा बना दियो। भाभी जब कोई गांव से शहर में जावे ना और तरक्की करे तो खुशी हो गई हमें खुशी, पर यहां आके मोल लगो कि तुम्हें खुशी ना हुई हमें देख के। और भैया तो क्या कह रही है कि बेहोश करके लूट के लिए जाऊंगा। भाभी हम गवार हैं, गरीब हैं, पर चोर नहीं है। और है का तुम्हारे यहां घर में जहां मैं चुरा के ले जाऊंगा? है का मेरा घर में? मैं मानू बहुत बड़ो घर है ये, पर जितने को ये घर है ना, एक बीघा जमीन बेचूंगा ना, एक बीघा तो ऐसे 10 घर में बना दूंगा मैं, 15 किला जमीन है वो पे। बोल दियो के चुरा के ले जाएगा कुछ। और हाँ भाभी, कभी काम में आओ ना तो आइयो जरूर, और घर पर रुकियो हमारे। हमारे घर में फ्रिज ना है ना एसी है, पर हमारो घर भी ठंडोर और हमारो दिमाग भी ठंडोर। भाभी एक बात कहूंगी, बुरो मत मानियो, घर तो बड़ो बना लियो तुमने, पर दिल दिल अभी नेक्स्ट और तुम्हारा नेक्स्ट और सुनते हैं अभी नेक्स्ट और सुनते हैं। वो काम में आओगी ना तो घर नेक्स्ट ही है, पर दिल इतना बड़ा दिल है सबको। अरे मैं तो तुम्हारा भैया लगूं तब यहां गर्मी में लिए कोई जगह ना, और हमारे गांव में कई अंजाम को भी पना देनी हो ना तो पूरा गांव तैयार खड़ो है, पूरा गांव आके देखियो कभी गांव में लूट के ले जाऊंगा मैं यहां से, कहां ले जाऊंगा लूट के ऐसे, मैं खुद लूट के जा रहा हूं आज। आज विश्वास को खून करो तुमने, फिर भी मैं ना करूंगा, खूब तरक्की करो, खूब बड़े आदमी बनो। घर तो बड़ो बना लियो तुमने, घर तो बड़ो बना, पर दिल दिल अभी नेक्स्ट और तुम्हारा दिल अभी नेक्स्ट और सुनते हैं अभी दुनिया वाले पहुंच गए? हाँ पहुंच गए ठीक ठाक। सब ठीक तो है? हाँ सब ठीक है। मेरा मन तो बहुत घबरा रहो। तेरो का है, तेरो तो मन घबराती रहेगो। भाभी तुम्हें देख के परेशान तो ना हुई? अरे बाबरी भाभी तो इतनी खुश हो गई, पूछ मत। 4-5 तरह की तो सब्जी बनाई है उन्होंने, और भैया तो नौ कह रहे कि कल मेरे लिए कार भेज देंगे सीधे एम्स को। सर बहुत आ रहा है। अरे इतना खाली हुआ है कि पचाने के लिए टहलने आ गऊ, रोड के नजदीक ही तो है इनको घर। वैसे एक बात है, अस्पताल के बाहर ना दुनिया भर के बदनसीब सड़क पे सो हैं, पता है क्यों? उनके यहाँ रिश्तेदार तो हैं पर वो बहुत अमीर रह गए हैं, सब मेरी तरह खुश नसीब थोड़ना है जो प्रदेश में सड़क पे नहीं बल्कि घर में सो हैं। चल मैं खुशी के मारे रोना आ रहा है, फोन रख रहा हूँ। ठीक है। दुनिया वाले वैसे एक बात है, अस्पताल के बाहर ना दुनिया भर के बदनसीब सड़क पर सो हैं, पता है क्यों?
उनके यहाँ रिश्तेदार तो हैं पर वो बहुत अमीर है।